हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दी की रसोई। आज की रेसिपी बहुत ही सिंपल है और बहुत ही टेस्टी है। बेबी पोटैटोज को हम बॉईल करेंगे। यहाँ मैंने छोटा पीस लिया अदरक का, 5-6 कलियाँ ली है लहसुन की, उन्हें मैं चॉप कर लूँगी, और एक मीडियम साइज़ का अनियन लिया है। यहाँ मैंने आधा कप कस्तूरी मेथी ली है। पैन गर्म होने पर हम उसके अंदर 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा उसके अंदर हम राई डालेंगे। लहसुन मैंने बारीक चॉप कर लिया था, मैं इनको पैन के अंदर डाल दूंगी। हरी मिर्च भी मैंने चॉप कर ली है, मैं उसको भी ऐड करूंगी। प्याज मैंने चॉप कर लिया है फाइन, उसको मैं ऐड करूंगी। और अदरक को मैंने किस लिया था, मैं उसको भी ऐड कर लूंगी। हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाले को हम अच्छे से पकने देंगे। जब तक मसाला पकता है तब तक हम आलू बॉयल करके पील कर लेंगे। यहाँ आप देखेंगे आलू ऑलरेडी मैंने बॉयल कर लिए थे। आलू यहाँ पर मैं सारे छील लूँगी, हमें इनको चॉप नहीं करना है। मैंने छील लिए हैं, प्याज भी लगभग अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर छीले हुए आलू ऐड कर देंगे और अच्छे से मसाले को और आलू को हम प्रॉपर मिक्स करेंगे और 5 मिनट पकाएंगे। आलू भी मेरे लगभग अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर कस्तूरी मेथी ऐड करूंगी। इस तरीके से आप हाथ में लेके क्रश करते हुए कस्तूरी मेथी को ऐड करें। कस्तूरी मेथी ऐड करने के बाद में हम आलू और मेथी को अच्छे से वापस मिक्स करेंगे। अब हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। आधा चम्मच आप हल्दी पाउडर डालें। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करें। आधा चम्मच धनिया पाउडर ऐड करें। आधा चम्मच गरम मसाला ऐड करें। और अच्छे से हम वापस सारे मसालों को सब्जी में मिक्स करेंगे। मिक्स करते हुए हम 5 मिनट तक सब्जी को पकाएंगे। मसाले आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अगर आप स्पाइसी रखना चाहते हैं तो आप गरम मसाला और लाल मिर्च पाउडर ज़्यादा डाल सकते हैं। अगर आप नॉर्मल टेस्ट रखना चाहते हैं तो जो मेजरमेंट मैंने दिया है उसके अकॉर्डिंग आप सब्जी को बना सकते हैं। मसाले अच्छे से पक चुके हैं, सब्जी हमारी यार रेडी है। अब आप इसे सर्व करिए गरम गरम रोटी के साथ में। तो अब बताइए, है ना ये सिंपल रेसिपी। आलू इजीली हमको 12 महीने अवेलेबल होते हैं मार्केट में, और कस्तूरी मेथी भी इजीली हमको मिल जाती है मार्केट में। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए तीखे रसोई के आइकन से। नीचे दिए गए प्लेलिस्ट से आप और भी मेरी रेसिपीज़ को चेक कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।